क्या बदल गया सब कुछ, बदल गई बच्चन परिवार की कहानी, फिर से आ गई बच्चन परिवार में दरार। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की। आपने देखा, जहाँ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में एक तरफ, बॉलीवुड में तमाम सितारों ने अपनी चमक से इस पार्टी में चार चांद लगा दिए, दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के अलग होने की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इस शादी में अभिषेक अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे, तो वहीं ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ अकेली नजर आई। इस पूरी शादी में ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ नहीं दिखी। इन खबरों के बीच अभिषेक ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुर्खियों में आ गए हैं, और आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। दरअसल बीते दिनों अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक किया था, जिसके बाद लोग अब इसे उनकी पर्सनल जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। ये पोस्ट तलाक और टूटे दिल से जुड़ा हुआ था। इस पोस्ट पर अभिषेक का रिएक्शन देख उनके फैंस शॉक्ड रह गए हैं। सोशल मीडिया पर एक जर्नलिस्ट ने तलाक को लेकर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि तलाक किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कौन ही होगा जो हैप्पी फैमिली नहीं चाहता होगा, कौन नहीं चाहता कि उसका बुढ़ापा भी अपने कपल के साथ बीते, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता। अभिषेक ने इस पोस्ट को जैसे ही लाइक किया, हर तरफ उनके और ऐश्वर्या के अलग होने की खबरें आ गई। अब उस जर्नलिस्ट ने अभिषेक के लाइक का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, और साथ ही ये भी लिखा कि उन्हें इस लाइक का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी इस महीने 12 जुलाई को ही थी। इस वीवीआईपी शादी में देश विदेश से आए तमाम बड़ी हस्तियां ने शिरकत की थी। शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के स्टार्स थे। इसके अलावा देश के कई बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और खेल जगत के कई नामी लोगों ने भी अपनी मौजूदगी शादी में दी थी। ऐसे में पूरा बच्चन परिवार भी शादी में पहुंचा। शादी के बाद ही ऐश्वर्या के रिश्ते पर चर्चा शुरू हो गई, और हालांकि अब तक दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सब कुछ अभी फंसा हुआ है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।